तो गाइस वीवो प्रो कबड्डी सीजन 7 का मैच नंबर 15 हमें देखने को मिलेगा यूमोबा वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच डॉम एसडी रेट एनएससीआई एसवीपी स्टेडियम मुंबई में 28 जुलाई को रात 8:30 से लाइव ऑन स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार। और इस वीडियो में हम करने वाले इसी मैच का प्रीव्यू। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस पहले हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो यू मुंबा और बेंगलुरु बुल्स के बीच पीकेएल के हिस्ट्री में टोटल 12 मैचेस हुए हैं। 10 मैच जीती है यू मुंबा और ओनली 2 मैच जीती है बेंगलुरु बुल्स। मतलब हेड टू हेड के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है बेंगलुरु बुल्स से यू मुंबा। वहीं पर अगर हम बात करें दोनों टीमों के स्टार्टिंग सेवन के बारे में, तो यू मुंबा की स्टार्टिंग सेवन हो सकती है सेंटर पे अभिषेक सिंह, राइट कवर पे सुरेंद्र सिंह, लेफ्ट कोर पे यंग चेंको, राइट इन पर डोंगजी ओनली, लेफ्ट इन पर रोहित बालियान, राइट कॉर्नर पे संदीप नरवाल और लेफ्ट कॉर्नर पे फजल अतर चली। वहीं पर बेंगलुरु बुल्स की स्टार्टिंग सेवन हो सकती है सेंटर पे पवन कुमार सहरावत, राइट कवर पे आशीष कुमार, लेफ्ट कोर पे महेंद्र सिंह, राइट इन पर रोहित कुमार, लेफ्ट इन पर सुमित सिंह, राइट कॉर्नर पे राजू लाल चौधरी और लेफ्ट कॉर्नर पे अमित सेवरन। तो गाइज ये हो सकती है इन दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन। तो गाइज स्टार्टिंग सेवन के बाद अब मैं आपको इस मैच का ड्रीम सेवन बता देता हूँ जो हम लगाने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशन एमपीएल पे, जहाँ पर आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो लाइक फोन्स, एयरफोन्स और बहुत सारे। तो डिस्क्रिप्शन में एमपीएल का लिंक है, जल्द से जाकर डाउनलोड करो और लॉगिन करते समय आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ करना। तो पहले मैं यहाँ पर एमपीएल फैंटेसी में जाना है, फिर जाना है कबड्डी के सेक्शन में, उसके बाद आपको यहाँ पर मैच दिख रहा होगा मुंबई वर्सेस बुल्स और फिर आपको कोई सा एक पॉट सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर एक टीम क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक टीम क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने टीम बना लिया है, आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। आप भी चाहो तो कैसे टीम बना सकते हो या फिर आप खुद से भी बना सकते हो। इसके बाद आपको बस पॉट ज्वाइन कर लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में एमपीएल का लिंक है, जल्दी से जाकर डाउनलोड करो। तो गाइस अब हम कर लेते हैं इन दोनों टीमों को थोड़ा सा एनालाइज। तो दोनों टीमों का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एक ही जैसा रहा है अभी तक इस सीजन में। यू मुंबा अपना पहला मैच जीती तेलुगु टाइटंस के अगेंस्ट, वहीं पर वो अपना दूसरा मैच हार गए जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट। वहीं पर बेंगलुरु बुल्स अपना पहला मैच जीती थी पटना के अगेंस्ट, दूसरा मैच हारी थी गुजरात फॉर्चून जायंट्स के अगेंस्ट। और जो दोनों टीमें अपना पहला मैच जीती थी अच्छे खासे मार्जिन से जीती थी, फिर दूसरे मैच में जो टीम हारी थी वो दोनों मतलब बहुत बड़े पॉइंट मार्जिन से हारी थी ये दोनों टीमें। मतलब दोनों का सिचुएशन अभी तक बिल्कुल एक जैसा ही चल रहा है। बात करें अगर यू मुंबा के बारे में, तो यार हमें पहले पता था कि यू मुंबा का डिफेंस तो अच्छा करेगा। दूसरे मैच में यू मुंबा हारा, उसका रीज़न था यू मुंबा का डिफेंस ना चलना, फजल का ना चलना, किसी का ना चलना, इसी के कारण यू मुंबा उस मैच को हारा था। अगर फजल अच्छा नहीं करेंगे तो फोर स्टोरी टीम अच्छा नहीं करेगी, रेडिंग को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो गाइज जो तीन रेडर खेलेंगे इस मैच में वो होंगे अभिषेक सिंह, डोंगजी ओनली और रोहित बालियान। उसके साथ साथ जो कवर होंगे वो होंगे सुरेंद्र सिंह और योंग चेंको, और कॉर्नर्स होंगे संदीप नरवाल और फजल अतर चली। अगर इनके कॉर्नर्स अच्छा करते हैं मिस बेंगलुरु के रेडर्स अच्छा नहीं करेंगे, और अगर बेंगलुरु के रेडर्स अच्छा नहीं करेंगे तो इस मैच को यू मुंबा जीतेगी। तो मेरे हिसाब से तो इनके कॉर्नर्स को बहुत अच्छा करना होगा। वहीं पर अगर हम बात करें बेंगलुरु बुल्स के बारे में, तो बेंगलुरु बुल्स के पास दो तो पहले कमाल के रेडर्स हैं पवन कुमार सहरावत और रोहित कुमार। बात यह है कि लास्ट मैच बेंगलुरु बुल्स क्यों हारी थी गुजरात के अगेंस्ट, तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रोहित कुमार नहीं चल रहे हैं। पवन कुमार सहरावत तो फिर भी सही खेल रहे हैं, मतलब उतना भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं जितना बड़ा वो नाम बन चुके हैं, वहाँ तक वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रोहित कुमार का, रोहित कुमार पवन को सपोर्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। वो अब मेन रेडर नहीं है इस टीम के, उनको सेकेंड रेडर बनाया गया है, लेकिन वो डू और डाई पे भी काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक उन्होंने इस सीज़न में बिल्कुल कुछ नहीं किया है। उसके साथ साथ सुमित ने लास्ट मैच में ज़रूर थोड़ा अच्छा खेला था, तो उनसे अब ज़रूर उम्मीद होगी, लेकिन रोहित को अच्छा करना होगा अगर इस टीम को जीतना है। तो मुंबा जैसी टीम को हराना है तो रोहित को भी अच्छा करना होगा। उसके साथ साथ इनके पास दो अच्छे कवर्स हैं आशीष कुमार और महेंद्र सिंह, दोनों कमाल के फॉर्म में हैं, सबसे अच्छी बात यह है। और इनके कॉर्नर्स की बात करें तो अमित सेवरन जो अच्छे फॉर्म में है लेफ्ट कॉर्नर पे, उसके साथ साथ राइट कॉर्नर पे इनका जरूर कुछ प्रॉब्लम रहेगा। राजू लाल चौधरी को आई डोंट नो क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, जब वो फिट होंगे तो मेरे हिसाब से वही खेलेंगे और तब इनका टीम और भी ज़्यादा आप कह सकते हो स्ट्रांग बन जाएगा। तो गाइज़ ये तो था दोनों टीमों का थोड़ा सा एनालाइज। अब हम फाइनली बात करते हैं इस मैच के विनर के बारे में।
तो यार थोड़ा सा अप इस मैच में बेंगलुरु बुल्स का ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अगर रोहित कुमार को रोक देती है यूम्बा की टीम तो इस मैच में यूम्बा जीतेगी ऐसा मुझे लगता है। पवन कुमार सहरावत अच्छा खेलेंगे फोर्स से और वो 12-13 पॉइंट लेंगे। अगर वो अकेले वन मैन आर्मी जैसा खेलते हैं, वो 22 पॉइंट ले लेते हैं ऐसा कुछ खेलते हैं तो फिर बेंगलुरु इस मैच को ज़रूर जीतेगी, लेकिन अगर पवन ऐसा खेलते हैं 13-14 पॉइंट लेते हैं और रोहित को यूम्बा की टीम रोक देती है तो इस मैच को यूम्बा जीतेगी। अगर पवन 13-14 पॉइंट लेते हैं और रोहित उनको सपोर्ट दे देते हैं 7-8 पॉइंट लेकर तो इस मैच को बेंगलुरु बुल्स जीतेगी। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अप इस मैच में बेंगलुरु बुल्स का रहेगा। आप ही अपना विनर प्रेडिक्ट कर सकते हो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके। वहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी, तो जाके वोट करो और आप कमेंट्स में भी लिखकर बता सकते हो। और बस यही थे वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना है, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।